हाँ जी बेटा, आपने तो चैप्टर ही चेंज करवा दिया आज। चलो अभी हम ग्रेविटेशन करेंगे। कीप दिस वर्कशीट इन योर बैग, ठीक है? चलो ठीक है, अभी असाइनमेंट है नहीं है, हम ग्रेविटेशन कंटिन्यू करते हैं चैप्टर, ठीक है? तो सबसे पहले मुझे ये बताओ, इसमें प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है? किसी को कोई डाउट अभी पूछना है, कुछ करना है? नहीं तो मैं बिगनिंग से एक बार हम रिविजन करते हैं फटाफट से, एंड देन वी विल कॉन्टिन्यू विद द न्यूमेरिकल्स। इसमें डेरिवेशन भी काफी है ना, डेरिवेशन भी हैं इसके अंदर, तो हम करते हैं कॉन्टिन्यू, ठीक है? अच्छा चलो, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, ग्रेविटेशन और ग्रेविटी, ये दोनों एक ही चीज है या ये दो डिफरेंट चीजें हैं? सही बताएगा मुझे, जस्ट रेज योर हैंड्स, जिस जिसको भी आता है, ग्रेविटेशन एंड ग्रेविटी आर डिफरेंट और द सेम थिंग? डिफरेंट है, तो किसने बोला डिफरेंट? अगर डिफरेंस है तो इन दोनों में कहां पर डिफरेंस है, कौन बताएगा? यस, नाइन्थ बी, दो तीन हैंड्स रेज हैं। हां जी बेटा बताओ जरा, आप जो मिडिल में बॉय बैठे हैं। हां जी, मैम, ग्रेविटेशन कैन हैपन बिटवीन एनी टू बॉडीज, बट ग्रेविटी हैपन्स बिटवीन द प्लैनेट एंड अ बॉडी। प्लैनेट एंड द बॉडी, बेसिकली बोथ आर फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, वो दोनों में, सॉरी, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन नहीं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बोथ आर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बट हमने चैप्टर अभी स्टार्ट किया है ग्रेविटेशन, ठीक है बच्चे? तो अभी हम ये समझ रहे हैं कि डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटेशन एंड ग्रेविटी, ठीक है, दोनों में कॉमन क्या है कि बोथ आर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दोनों ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, बट दोनों में डिफरेंस कहां पर है? डिफरेंस कहां लाई करता है? जो ग्रेविटेशन है, ग्रेविटेशन इज बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट, लेट अस से ऑब्जेक्ट वन एंड ऑब्जेक्ट टू, एनी ऑब्जेक्ट, कोई भी दो ऑब्जेक्ट, आपके दो डेस्क हैं, आप दो स्टूडेंट्स बैठे हो, एनी टू ऑब्जेक्ट्स, कोई भी चीज, तो उनमें जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगे उनको हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशन। एंड ग्रेविटी क्या चीज होती है? एक ऑब्जेक्ट होगा एंड दूसरा क्या होगा? कोई प्लैनेट होगा, ठीक है? तो हमारे अभी हम जो स्टडी करेंगे यहाँ पर, प्लैनेट किसको लेकर चल रहे हैं हम? सिर्फ हमारी अर्थ को, अदरवाइज कोई भी प्लैनेट हो सकते हैं, ठीक है? तो ये है डिफरेंस। यहाँ पर जो फोर्सेस होंगे दोनों के बीच में, ये कौन से फोर्सेस होंगे? फोर्स ऑफ ग्रेविटी, राइट? ये सिमिलैरिटी है दोनों की, आप ये लिख सकते हो, ये दोनों का सिमिलैरिटी, और यहां पर आ गया डिफरेंस। लिखो जरा जल्दी से, हाँ ओके बेटा, डन। नाउ नेक्स्ट टर्म इज एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सलरेशन
ड्यू टू ग्रेविटी। नाउ व्हाट इज दिस थिंग? अब ये देखो, ड्यू टू ग्रेविटी है, एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन नहीं है, इट इज एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हाँ जी, कौन बताएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टर्म? यस, एनीवन फ्रॉम 9C? एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, लिखिए जरा बेटा इसकी डेफिनेशन, लिखिए जरा। द एक्सलरेशन प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी, द एक्सलरेशन प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज कॉल्ड एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इज कॉल्ड एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल जी। ठीक है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट, इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट। अभी लिख लो, फिर वन बाय वन सारे पॉइंट आपको डिस्कस करते हैं। इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, वैल्यू वेरीज विथ हाइट एंड डेप्थ। हाइट को ऑल्टीट्यूड भी कई बार लिखा होता है बेटा, हाइट एंड डेप्थ, एंड जी की वैल्यू लिख लीजिएगा बेटा। बेसिकली जो हम यूज करेंगे इट विल बी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, बट इसमें थोड़ा सा वेरिएशंस होती हैं, वो हम देख लेंगे। ठीक है बच्चे, चलिए। अगर देखो, पहली बात, एक्सलरेशन ये किस कारण से है? ड्यू टू ग्रेविटी। मैंने हाथ में कुछ होल्ड किया हुआ है, क्या ये अभी फॉल कर रहा है? अगर मैंने इसको रिलीज किया तो ये कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा या नीचे आएगा? ये नीचे आएगा, है ना, ये अपने आप नीचे आया। इसके ऊपर क्या लगा? फोर्स ग्रेविटी ऑफ ग्रेविटी, क्योंकि ये अर्थ की ग्रेविटी के कारण कहाँ गया, नीचे की तरफ आया। तो ये इसके ऊपर कौन सा फोर्स लगा? फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अब जो इसकी मूवमेंट थी, जो ये नीचे जा रहा था, उसको बोलते हैं एक्सलरेशन। ठीक है, जैसे हॉरिजॉन्टल मोशन में है, साइकिल को रेस दी, स्कूटर को रेस दी, तो क्या हो गया, वो एक्सलरेट हो गए, चलने लग गए। जब तक ये होल्ड में है, ये रेस्ट पर है, इस चीज को ध्यान रखना है। वी विल यूज दिस कॉन्सेप्ट इन न्यूमेरिकल्स। अभी ये मेरे हाथ में है, ये रेस्ट पर है, ठीक है। जैसे ही मैंने इसको रिलीज किया, इसके अंदर एक एक्सलरेशन प्रोड्यूस्ड हुई ड्यू टू द ग्रेविटी ऑफ अर्थ, अर्थ की ग्रेविटी के कारण। इसीलिए इसकी एक्सलरेशन को हम क्या बोलेंगे? एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, राइट? सेकेंड, हम कह रहे हैं इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट। ये तो एक हल्का सा ऑब्जेक्ट था। अब अगर मेरे पास कोई हैवी ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, लेट अस से कुछ और हम हैवी ले लेते हैं, लेट अस से ये थोड़ा सा हैवी होगा, ठीक है, इसके अंदर जो एक्सलरेशन प्रोड्यूस हुई वो भी सेम, इसकी एक्सलरेशन और इसकी एक्सलरेशन दोनों सेम। ये कह रहे कि जो ग्रेविटी है दैट डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। एक एप्पल फॉल करे या एक कार फॉल करे, दोनों केसेस में ग्रेविटी अर्थ दोनों ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ सेम ग्रेविटी से पुल कर रही है।
एक फास्ट और एक स्लो क्यों लगता है वो बाद में रीजन करेंगे। ठीक है, हमें हैवी ऑब्जेक्ट लगेगा फटाफट से नीचे आ गया, एक लाइटर ऑब्जेक्ट हमें लगेगा कि धीरे धीरे आ रहा है, एक पेपर है, पेपर को मैंने फॉल किया वो धीरे धीरे ऐसे ऐसे करता आएगा, उसकी बॉल बना दी तो जल्दी से नीचे आ जाएगा। दोनों के मास में कोई फर्क था? उसी पेपर को पहले मैंने फॉल किया फिर रोल करके फॉल कर दिया, मास में तो पेपर के कोई फर्क नहीं आया, नहीं आया ना। बट जो पेपर था वो धीरे 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 ऐसे आएगा और जो बॉल है वो एकदम से नीचे जाएगी। ऐसा नहीं ग्रेविटी डिफरेंट लगी, दोनों केसेस में ग्रेविटी डिफरेंट है। आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा फ्रिक्शन का, किस किस को याद है फ्रिक्शन क्या होती है? बोलो, अरे निकल चुका चैप्टर ऐसे वाला, फ्रिक्शन वाला, 8th में भी किया होगा, 9th में भी टॉपिक आ चुका है फ्रिक्शन से रिलेटेड। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन किया है ना? देखो पेपर है, अगर एक पेपर है उसका सरफेस एरिया ज्यादा है, इसी के मैंने बॉल बना दी तो इतनी सी बॉल बनी। अब जब ये डाउनवर्ड मोशन में आ रहा है, इसको बेटा ध्यान से समझना, चीजें काफी क्लियर हो जाएंगी इस चैप्टर के भी और फ्रिक्शन की भी। ठीक है, जब ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा है तो एयर कहाँ जाएगी? ऑपोजिट डायरेक्शन में। फ्रिक्शन फोर्स जो होता है वो हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई होता है, इसका मोशन कहाँ है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और फ्रिक्शन लग रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में, ये फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। ठीक है, ये फ्रिक्शन फोर्स इस पेपर के ज्यादा एरिया पे लग रहा है तो ये पेपर धीरे धीरे करके आ रहा है नीचे। यहां बॉल में मास तो उतना ही है, अर्थ तो उसी फोर्स से पुल कर रही है इसको, बट यहां पर जो फ्रिक्शन फोर्स है वो कम सरफेस एरिया पे लग पा रहा है, उसको कम एरिया मिला। अपोज, फ्रिक्शन फोर्स क्या करते हैं? मोशन को अपोज करते हैं। यहां फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा अपोज कर पाए, कौन से फ्रिक्शन है यहां पर? ड्यू टू एयर, एयर से जो फ्रिक्शन आता है। आप देखो अगर कभी हवा चल नहीं रही होती तो आप आराम से मूव कर लोगे, और अगर हवा तेज चल रही हो तो आपको उसके अगेंस्ट जाने में अपनी बॉडी से ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ता है क्योंकि ज्यादा फ्रिक्शन लग रहा है। ठीक है, तो यहां पर फ्रिक्शन कम लग रहा है इसलिए ऑब्जेक्ट हमें ऐसे लगता है कि वो फास्ट आ रहा है नीचे। इज दिस क्लियर? समझ आई बेटा ये चीज? तो ये सेकेंड हमारा पॉइंट ये बता रहा है कि दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट। नाउ वैल्यू वेरीज विद हाइट एंड डेप्थ, ये हमारी अर्थ है, ये अर्थ का सेंटर। ठीक है, यहां पर हम मान लेते हैं कि ग्रेविटी है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। ठीक है, एग्जैक्टली 9.8 नहीं होती, 9.83 समथिंग होती है, क्लियर? पर हम 9.8 लेकर चलते हैं। जैसे जैसे मैं, इफ आई मूव, नाउ इफ आई मूव टूवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, दिस वैल्यू रिड्यूसेस टू 0 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वेयर एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। जी की वैल्यू रिड्यूस होती जा रही है। ठीक है, एंड सेम इफ आई मूव इन द स्पेस, अगेन द वैल्यू विल बिकम 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। ठीक है, दिस इज द वैल्यू एट द सर्फेस ऑफ अर्थ, आइदर यू आर मूविंग टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ और अवे फ्रॉम द अर्थ टूवर्ड्स द स्पेस। ठीक है, दोनों केसेस में एक्सलरेशन रिड्यूस होती जाएगी। इज दिस क्लियर? सो कैन वी से एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज अ कॉन्स्टेंट क्वांटिटी? कैन वी से हम इसकी वैल्यू लेते हैं बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द सर्फेस ऑफ अर्थ, तो हम 9.8 लेकर चलते हैं। बट अगर जी की वैल्यू को टुवर्ड्स द सेंटर आना हो या अवे द सेंटर जाना हो तो जी की वैल्यू विल चेंज। सो जी इज नॉट कॉन्स्टेंट, मेंशन कर लीजिए बेटा कहीं पे, ये एक कॉन्स्टेंट क्वांटिटी नहीं है। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस विल कम इन एमसीक्यूज। ठीक है, नेवर चेंज, सम टाइम चेंज, ऑलवेज फिक्स्ड, नेवर फिक्स्ड, ऐसे करके ABCD ऑप्शन बन जाएंगी आपकी। ठीक है, नॉट कॉन्स्टेंट मतलब नॉट फिक्स्ड, इट वेरीज विद हाइट एंड डेप्थ।
ये बना लीजिएगा बेटा इस लास्ट पॉइंट के साथ, आपको फिर आइडिया रहेगा। ड्रॉ दिस डायग्राम। यस बेटा डन। तो आई होप ये तीनों टर्म्स क्लियर है अब। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, फोर्स ऑफ ग्रेविटी एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ऑल दीज थिंग्स आर क्लियर। यस चलिए अच्छा आप मुझे एक चीज बताओ, डू यू वॉन्ट टू रिपीट द डेरिवेशन ऑल्सो? डेरिवेशन करनी है क्योंकि ऐसा ना हो स्टेप्स डिफरेंट हो जाए थोड़े से। हम रिजल्ट से डिस्कस कर सकते हैं क्या सीधा? कर लिए ड्राइवेशन। कौन कौन सी डेरिवेशन की? एक तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की होगी आपने, और कौन सी की है बताओ जरा मुझे। यूनिट कौन सी बेटा? कोई आके माइक के सामने बताओ मुझे क्लियरली। की थी, यूनिट ऑफ जी कांस्टेंट की थी, ओके और स्मॉल जी की डिराइवेशन भी की थी, बस वो भी एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। इतनी ही, बस और इतनी एक ही। रिलेशन किया वो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन मून, एस 1/6 की थी। 1/6। यस ठीक है। तो बेसिकली तीन डेरिवेशन है। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है थोड़ा सा क्विकली एक बार ठीक है रिकैप कर लेते हैं। ठीक है हमारा है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। नाउ लुक हेयर आई हैव रिटन ग्रेविटेशन, इट मीन्स इट इज अ फोर्स बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स राइट। तो ये लेटर से मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये एक अनदर ऑब्जेक्ट है, ये है ऑब्जेक्ट ए एंड ये है ऑब्जेक्ट बी, ये दोनों के सेंटर्स हैं। ठीक है दोनों के सेंटर्स में जो डिस्टेंस है वो कितना है? लेटर से डी, स्मॉल डी। दिस ऑब्जेक्ट हैज मास m1 एंड दिस ऑब्जेक्ट हैज मास m2। ठीक है बच्चे नाउ लिसन, सभी एक बार ध्यान से सुनो। ठीक है डेरिवेशन जो इसकी जो डेफिनेशन है ना यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम मैथमेटिकल लैंग्वेज से समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट डेफिनेशन का क्या कहते हैं? द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, ये दो ऑब्जेक्ट्स इनके इन बिटवीन जो फोर्स है दैट इज, ये सिंबल किसके लिए होता है? डायरेक्टली एंड प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल के लिए। ठीक है इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस। ठीक है दिस विल बी योर फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड क्या कहते हैं? फोर्सेस फोर्सेस ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू द 1/4 स्क्वेयर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है स्क्वेयर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। दो कंडीशंस हैं, एक बार फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एक बार फोर्स इनवर्सली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनल प्रोडक्ट ऑफ द मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके? स्क्वेयर ऑफ द डिस्टेंस। है। अच्छा मुझे बताओ अगर ये ऑब्जेक्ट यहां से इस ऑब्जेक्ट को उठाकर मैं यहां कर दूं तो फोर्स बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स विल रिड्यूस और इंक्रीज? रिड्यूस रिड्यूस। अगर क्लोजर कर देंगे तो इंक्रीज इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है ये आते हैं क्वेश्चंस, ये करेंगे हम इस टाइप के क्वेश्चंस। ठीक है नाउ इफ आई कंबाइन दीज टू इक्वेशंस व्हाट शुड आई गेट? फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू m1 इनटू m2 अपॉन d स्क्वायर। ठीक है ये इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि यहां पर मुझे कैपिटल जी का कॉन्सेप्ट समझाना है आपको। ठीक है नाउ दिस फोर्स इज इक्वल्स टू कैपिटल जी m1 इंटू m2 अपॉन डी स्क्वायर। ये कैपिटल जी कहां से आया?
प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए कांस्टेंट टर्म यूज किए। यूज होता है जब हम कभी भी प्रोपोर्शनल में कोई इक्वेशन नहीं होती, प्रोपोर्शनल डजेंट मीन एनी इक्वेशन, ठीक है। इक्वेशन कब बनती है, जब इक्वेलिटी का साइन आता है। तो इक्वल का साइन तब आएगा जब हम प्रोपोर्शनल की जगह कुछ कांस्टेंट अप्लाई करेंगे। तो कैपिटल जी इज द कांस्टेंट जो कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल बनाएगा, ठीक है। नाउ ये एक फॉर्मूला आ चुका है आपके पास, ठीक है। नाउ कैपिटल जी को हम क्या बोलते हैं बेटा, यूनिवर्सल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कांस्टेंट, ठीक है। कैन यू गेट द फॉर्मूला ऑफ कैपिटल जी फ्रॉम हियर? देखो यस। जिसको नहीं पता मैं थोड़ा सा बता दूं, कैपिटल जी को यहीं पे रखो, इसको क्रॉस कर दो, तो ये क्या बना, एफ इंटू डी स्क्वेयर, और ये मासेस को इसके डिनोमिनेटर में ले आओ, तो ये क्या बन जाएगा, एम वन इंटू एम टू, और ये बन गया कैपिटल जी का फॉर्मूला, ठीक है जी। नाउ अब टर्न आती है इसकी वैल्यू की, वैल्यू कितनी होती है इसकी, 6.67 × 10 की पावर -11 -11 फोर्स की यूनिट, फोर्स की यूनिट न्यूटन। अब देखो याद रख, आपने क्रैम नहीं करना, ये बहुत बच्चे भूलते हैं। जी का फॉर्मूला लिख लिया हमने, फोर्स की यूनिट लिखो क्या होती है, न्यूटन। डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वेयर हो जाएगा क्योंकि डिस्टेंस स्क्वेयर है। अपॉन मास की यूनिट क्या होती है, कितनी किलोग्राम बार है मास, टाइम 2 टाइम्स। तो देखो यूनिट क्या बनी, ठीक है, ये बना न्यूटन मीटर मीटर स्क्वेयर स्क्वायर पर केजी डिवाइडेड स्क्वेयर, बाय केजी पर केजी स्क्वेयर ऐसे भी लिख सकते हो, अगर ये लाइन नहीं लगानी तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, न्यूटन मीटर स्क्वेयर केजी -2। ये डिनोमिनेटर में है, न्यूमिरेटर में आकर पावर हो जाती है नेगेटिव। स्क्वायर। किस किस को ये समझ आया यूनिट कैसे बनी है, रेज योर हैंड्स बेटा। यस, जो लास्ट बेंचेस पे बैठे हैं बेटा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो क्रैम नहीं करना, हम कोई भी यूनिट ऐसे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। कीप योर हैंड्स डाउन बेटा, 9th B, ठीक है। तो न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर केजी स्क्वेयर या केजी -2, इज दिस क्लियर। नाउ ये जिसने नहीं किया वो बेटा नोटबुक में वो नोट कर सकते हैं, की हुई है तो ये सेम ही करवाई है मैंने, कोई डिफरेंट चीज नहीं है ये, ठीक है। अब मुझे ये बताइए वाई कैपिटल जी इज नोन एज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। हम स्मॉल जी को तो नहीं बोल रहे हैं, हम स्मॉल जी को बोल रहे हैं नॉट कांस्टेंट, इसको तो मैंने बोला कि ये कांस्टेंट है नहीं। कैपिटल जी इज कांस्टेंट, ये तो कांस्टेंट है, इसको हम कांस्टेंट यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्यों बोल रहे हैं, Because किस किस को पता है ये, रेज योर हैंड्स, लिखो जरा इसका आंसर। व्हाई व्हाई कैपिटल जी इज नोन एज, व्हाई कैपिटल जी इज नोन एज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट लिखिए, इट इज बिकॉज, इट इज बिकॉज द वैल्यू ऑफ कैपिटल जी, द वैल्यू ऑफ कैपिटल जी रिमेन सेम इन द होल यूनिवर्स, इन द होल यूनिवर्स, राइट बेटा।
यस, ओके, होल यूनिवर्स का मतलब पूरा ब्रह्मांड। ब्रह्मांड। वाह, व्हाट अ हिंदी, है ना, ब्रह्मांड। मैंने ट्रांसलेशन थोड़ी पूछी है। एवरी प्लेनेट, चल, यूनिवर्स मींस एनी प्लैनेट, ठीक है, एनी स्पेस, सी हो, लैंड हो, एयर हो, अर्थ हो, ठीक है, कोई भी अदर, जुपिटर हो, मार्स हो, कोई भी प्लैनेट, मून हो, सभी जगह जी की वैल्यू विल रिमेन सेम, दैट इज 6.67 × 10⁻¹ⁱ, ठीक है जी, ये मतलब है इसका। तो अब बच्चे आप ये बताओ, इन दोनों में और क्या क्या डिफरेंस है? एक तो मैंने आपको लिख ही दिया कि स्मॉल जी की वैल्यू, इट मींस अब एक और चीज ध्यान में रखना है, जहां स्मॉल जी यूज होना है वहां स्मॉल जी ही लिखना है, कैपिटल जी मत लिख देना वहां पर, और जहां कैपिटल जी यूज होना है वहां पे स्मॉल जी नहीं लिखा जा सकता। दो डिफरेंट चीजें हैं। अब ये कोई मुझे पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बताएगा इसमें, एनी अदर पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस? एक तो हो गया, एनी अदर डिफरेंस, बहुत अभी सारे तक डिफरेंसेस हैं इनमें। एसआई यूनिट का इसका एनी वन, डिफरेंस जस्ट रेज योर हैंड्स, मैं माइक के पास बुलाते हैं जिस चीज को आते हैं। अब नहीं कोई आएगा? यस, एनी वन फ्रॉम 9th A? यस, लास्ट बेंच से कोई स्टूडेंट? हाँ जी, आवाज जा रही है लास्ट बेंच तक, 9th A? चलिए आइए जल्दी से कोई, जिसको लगता है एक भी पॉइंट, कौन सा मैंने सारे पूछने हैं, एनी वन पॉइंट? यस, चलो फिर मैं नाम लेकर बुलाती हूँ, ठीक है, 9th A, गुरनाम। चलो लास्ट बेंच से ही मिल गया करना बच्चा भी, आ जाओ। गुरनाम, देन 9th C से बच्चा कोई रेडी रहिएगा, जसलीन मान, गेट रेडी आफ्टर दैट, ठीक है। हाँ जी बेटा, मुझे कोई पॉइंट ऑफ डिफरेंस बताइए दोनों में, कैपिटल जी और स्मॉल जी में। कैपिटल जी ग्रेविटी, हाँ बोलो बोलो। कैपिटल जी ग्रेविटी, स्मॉल जी ग्रेविटेशन। नहीं, कैपिटल जी तो ग्रेविटी नहीं है बेटा, अभी अभी समझाया, देखो कैपिटल जी को क्या लिखा मैंने, बोलो। ग्रेविटेशनल अकेला तीन जगह से भी बीच में ग्रेविटेशनल देखा, पूरा बोलो क्या लिखा है। अरे देखकर बोलो क्या लिखा है ये। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट। हाँ, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आंसर लिखा आपने, जो मैंने अभी लिखवाया था, यस, दिखाओ जरा कॉपी दिखाओ, कहाँ लिखा है। हाँ जी बेटा, एनी अदर पॉइंट? जसलीन फ्रॉम 9th C, यहीं से बोल दो बेटा, माइक तो पास में ही आपके, यहीं से बोल दो। बोलो। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट। हाँ, फिर कैपिटल जी का क्या बनेगा, इट इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट, ये तो चेंज ही नहीं होता। चलो गुड ट्राई, सेफ। हाँ जी बेटा बताइए मुझे, 9th A क्या लिखा है आंसर, बोलो। रिमेन सेम इन दी होल यूनिवर्स। हाँ, तो मैंने क्वेश्चन में क्यू क्या लिखवाया, वाई कैपिटल जी इज नोन एज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बेटा, तो इसको अकेला ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशनल नहीं बोलना, इसका पूरा नाम है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल जी का। इज दिस क्लियर? ठीक है, और स्मॉल जी क्या होता है बेटा, स्मॉल जी इज ना, बोलो, ग्रेविटी, ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी बोल सकते हो और ग्रेविटी भी बोल सकते हो, राइट, गुड, ध्यान से पढ़ो बेटा, गो बैक टू योर सीट। हाँ जी, कोई और पॉइंट बताना चाहता है मुझे? एक तो सीधा साधा सा पॉइंट है बिल्कुल ही। चलिए, और क्या क्या पॉइंट्स बनेंगे बेटा, एक तो कांस्टेंट हो गया आपका,
नॉट कांस्टेंट हो गया, इसको ग्रेविटी बोलते हैं, दिस इज ग्रेविटी। एसआई यूनिट्स. इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। इनकी वैल्यूज, स्मॉल जी की वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, एट ठीक है, लिख मीटर सकते हो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। एंड इसकी वैल्यू 6.67 मीटर। सिक्स हाँ पॉइंट राइट, ये वैल्यू हो गई इनकी। एक और लिख सकते हो स्मॉल जी चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ठीक है जी, एंड कैपिटल जी रिमेन सेम एट ऑल प्लेसेस, रिमेन सेम है ऑल प्लेसेस। देखो कितने सारे डिफरेंसेस हो गए हैं। एक और डिफरेंस भी है, लिखो जरा, मैं लिखवाती हूँ। जो स्मॉल जी की वैल्यू है, इट इज फाउंड बाय न्यूटन, ठीक है, एंड कैपिटल जी की वैल्यू, कैपिटल जी की वैल्यू किसने फाइंड की? हेनरी एनरी कैवेंडिश, ठीक है। बहुत सारे पॉइंट्स बन सकते हैं बेटा डिफरेंसेस में, ये कैवेलियो. प्रॉपरली लिख लेना बेटा, थोड़ा सा वो हो गया मेरे। डन, चलिए सबका हो गया बेटा, चलिए नेक्स्ट। यस, लास्ट सीट्स पे जो बच्चे बैठे हैं ना, तीनों सेक्शंस में बेटा, रेज योर हैंड्स अगर हो चुका है तो काम। ओके हाँ जी, 9th A 9th C, ओके बेटा, चलिए बेटा नेक्स्ट हमारे पास है कैप स्मॉल जी, ठीक है। स्मॉल जी की डेरिवेशन हमें क्या बोलती है? स्मॉल जी इज, हाँ जी, क्या होता है स्मॉल जी? यस, जी एम अपॉन आर स्क्वेयर, ठीक है। यहां पे अब कैपिटल जी सबको अवेयर है, कैपिटल स्मॉल जी की वैल्यू ये होती है। अब ध्यान से एक बार सुनो, बाद में नोट करना, ठीक है। यहां पर कैपिटल एम जो है बेटा, दैट रिप्रेजेंट्स, मास वेरी गुड, एंड आर रेडियस रेडियस ऑफ अर्थ। अब हमें, मुझे यहां पर रेडियस ही क्यों लिया मैंने, डिस्टेंस क्यों नहीं लिया? सी लेट अस अर्थ. से, ये मेरे पास एक अर्थ है, ठीक है, इसके ऊपर यहां पर कहीं पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, एंड दिस इज अ सेंटर ऑफ द अर्थ। इज दिस क्लियर? ठीक है, ये सेंटर ऑफ अर्थ है। अच्छा मुझे ये बताओ, हम सर जो अर्थ है उसको एक स्फीयर मानकर चलते हैं, स्फीयर का रेडियस कितना होता है? हम ये मान लेते हैं द रेडियस इज आर। अगर रेडियस आर है तो ये रेडियस भी आर ही होगा, ये भी आर होगा। यहां पर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट रखा है, हमने अभी देखा था कि जो डिस्टेंसेस लिए जाते हैं वो फ्रॉम सेंटर टू सेंटर लिए जाते हैं, दोनों ऑब्जेक्ट्स के फ्रॉम सेंटर टू सेंटर। अब यहां पर कोई अर्थ के साइज के कंपैरिजन में, चाहे मैं यहां पर एक शिप भी रख दूं, सपोज यहां पर एक शिप है, बहुत बड़ा प्लेन है, कुछ भी है, ट्रेन है, वॉट एवर इट इज, वो अर्थ के साइज के कंपेरिजन में एक पॉइंट साइज ही मानी जाएगी। पॉइंट साइज का सबको मतलब पता है? बहुत छोटा सा जो हम ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, अर्थ के साइज के कंपैरिजन में ये ऑब्जेक्ट एक
पॉइंट साइज माना जाएगा, तो पॉइंट में कितना ही डिस्टेंस होगा इसको हम, इसलिए वैसे ये डी लेना चाहिए था मुझे, ठीक है, ये डी लेना चाहिए था, ठीक है, दिस शुड बी डी, डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि हमने यहां पर लिया था, बट यहां पे जो डिस्टेंस है पिंक वाले डॉट में, ये बहुत थोड़ा है, बहुत ज्यादा फ्रैक्शन में, बहुत ज्यादा छोटी वैल्यू, इसलिए हम इस वैल्यू की जगह रेडियस ऑफ अर्थ को ले सकते हैं। अब मुझे बताओ इस ऑब्जेक्ट का मास अर्थ के मास के कंपैरिजन में कितना होगा? ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, बहुत कम, तो क्या है, इसीलिए हमारी जी की वैल्यू में मास ऑफ द ऑब्जेक्ट नहीं आता। यहां पर अगर आप देखोगे ये डेरिवेशन होती है ये शो करने के लिए कि जो स्मॉल जी है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है बच्चे, स्मॉल जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ ऑब्जेक्ट, तब ये की जाती है। अब ये आती किस किस को है मुझे ये बताओ, किस किस ने क्लास में की हुई है ये सिर्फ रिजल्ट किया या पूरा स्टेप्स किए हैं इसके? थोड़ा सा है। पूरा किया है। कोई डाउट किसी कुछ पूछना हो तो बताओ, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट फॉर्मूलाज पर चलते हैं। यहां पर जब हम सारी वैल्यूज डाल देंगे ना जी की, 6.67 × 10⁻¹¹ मास ऑफ द अर्थ हम डाल देंगे 6 × 10⁻², एंड रेडियस ऑफ द अर्थ कितना होता है, 6.4 × 10⁻¹⁶। 6.4 × 10⁻¹⁶, इसका होल स्क्वायर, इसको जब हम पूरे को एड डाल देंगे ना सॉल्व करेंगे, आई विल गेट 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। डन बेटा, चल मास एंड वेट के कॉन्सेप्ट पे हम बाद में आते हैं, फर्स्ट वी विल स्टार्ट डूइंग सम न्यूमेरिकल्स। अच्छा मोशन आपने एक चैप्टर किया था, सेवेंथ चैप्टर, ठीक है, यस उसके न्यूमेरिकल्स किस किस को अच्छे से आते थे? यस, वही कॉन्सेप्ट यूज होना है यहां पर, उन्हीं न्यूमेरिकल्स का कॉन्सेप्ट है। मोशन में जो कॉन्सेप्ट था वो हमारा हॉरिजॉन्टल मोशन में था, ग्रेविटेशन में वही सेम कॉन्सेप्ट वर्टिकल मोशन में है, मोशन ही तो है। हमने वहां पर फॉर्मूला किए थे अगर आपको याद होगा, वी इज इक्वल्स टू यू प्लस, एटी ये किया था, यस सेकेंड फॉर्मूला करते हो, एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर वेरी गुड, एंड देन टू एल इक्वल्स टू बी एटी स्क्वायर स्क्वायर यू स्क्वायर, यही तीन फॉर्मूलाज हमारे इस चैप्टर में दोबारा से यूज होंगे। कंडीशन कहाँ डिफरेंट आ जाएगी, एक्सेलरेशन ग्रेविटेशन के केस में फर्स्ट फॉर्मूला हमारा बन जाएगा वी इज इक्वल्स टू यू प्लस, जी क्या था एक्सलरेशन, यहां यस पर एक्सलरेशन का सिंबल क्या यूज कर रहे हैं हम, जी जी, एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। यहां पर एस क्या था, डिस्टेंस, यहां पर हम एच ले सकते हैं, एच से भी कर सकते हो एस से भी कर सकते हो, इसका कोई फर्क नहीं आएगा ज्यादा, ये बनेगा यूटी प्लस 1/2 जी टी स्क्वेयर, स्क्वायर ठीक है, और ये बन जाएगा 2GH = V² - ठीक है, लिख लो बेटा तीनों फॉर्मूलास, अब याद करना इजी हो जाएंगे फॉर्मूलास, यस S को H से रिप्लेस कर दीजिए एंड A को G से रिप्लेस कर दीजिए, दीज न्यूमेरिकल्स आर मच इजियर देन द न्यूमेरिकल्स ऑफ मोशन चैप्टर।
ठीक है, क्योंकि इसमें जी भी फिक्स हो चुका है आपका। क्लियर? नाउ अब कॉन्सेप्ट समझिए, वी की वैल्यू कब जीरो ली जाएगी, यू की वैल्यू कब जीरो होगी, एंड जी की वैल्यू को हमने कैसे चूज करने। तीन वैल्यूज हैं, टी आपको गिवन होगा या फाइंड करना होगा, हाइट आपको गिवन होगी या फाइंड करनी होगी, ठीक है। बट वी, यू और जी तीन चीजें ऐसी हैं जो आपको पता होनी चाहिए कब कब क्या लेना है, ठीक है। चलिए लिखो जरा, पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखो जरा करके। फर्स्ट पॉइंट लिखिए, द वैल्यू ऑफ यू, द वैल्यू ऑफ यू इज ऑलवेज टेकन इक्वल टू जीरो व्हेन द ऑब्जेक्ट फॉल फ्रॉम, व्हेन द ऑब्जेक्ट फॉल फ्रॉम सर्टेन हाइट, व्हेन द ऑब्जेक्ट फॉल फ्रॉम सर्टेन हाइट। ठीक है, यू की वैल्यू मैंने आपको बोला था ना इस कॉन्सेप्ट को समझना, ये मेरे पास होल्ड किया हुआ है अभी, तो ये ऑब्जेक्ट कहाँ है, एट रेस्ट, और रेस्ट पर इनिशियल वेलोसिटी क्या रहती है ऑब्जेक्ट की, जीरो। इसलिए अब मैंने इसको फॉल किया, अब इसमें ग्रेविटी है, ठीक है, अभी ये रेस्ट पर है, रेस्ट पर है तो यू क्या रिप्रेजेंट करता है, इनिशियल इनिशियल वेलोसिटी, पता वेलोसिटी, है ना इस चीज का, मैंने बताया भी, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। और वी क्या रिप्रेजेंट करते हैं, फाइनल फाइनल वेलोसिटी। वेलोसिटी, वेरी गुड। तो यू की वैल्यू, अगर ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है तो यू इज टेकन एज 0 मीटर्स पर सेकेंड, ऊपर से नीचे आ रहा है, ठीक है। तो ये लिखा है जहां पर, वहां पर ये ड्रॉ कर लो ऐसे करके, ये ऑब्जेक्ट है ए और ये नीचे की तरफ आ रहा है, तो यू की वैल्यू क्या ली जाएगी, 0 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है जी। नाउ वी की वैल्यू, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज, सेकेंड पॉइंट लिखिए, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड, When the object is thrown upward, ठीक है, then initial velocity is taken as 0 meters per second. हो गया बच्चे सबका? चलिए अब मुझे ये बताओ, इसको मैंने लिख लिया ना सबने? अच्छा, मैंने इसको ऊपर ऐसे उछाला, ऊपर ऊपर की तरफ गया, तो इसमें कौन सी वेलोसिटी जीरो थी? फाइनल फाइनल वेलोसिटी वी जीरो था, और अगर मैंने इसको थ्रो किया ऐसे फॉल किया तो इनिशियल वेलोसिटी। तो अगर आपको न्यूमेरिकल्स में लिखा आता है, कैसे लिखा आता है, एन ऑब्जेक्ट इज फॉल फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर, तो कुछ क्या इंफॉर्मेशन मिली आपको? मैंने बोला एन ऑब्जेक्ट फॉल, लिखना नहीं है बेटा ये न्यूमेरिकल में ही करेंगे, ठीक है, इसे समझा रही हूं, फ्रॉम द हाइट, लिखने को लिख भी सकता है ऐसी बात नहीं है, 20 मीटर। तो यहां पर क्या इंफॉर्मेशन गिवन है आपको, कौन कौन बता सकते हैं? अभी न्यूमेरिकल पूरा नहीं लिखा मैंने, जस्ट मुझे पता है इसमें दो इंफॉर्मेशन गिवन है, एक मैथमेटिकली आपको दिख रहा है प्रॉपर कि हाइट गिवन है, एक वैल्यू और गिवन है, कौन कौन कह रहा है यू गिवन है, रेज योर हैंड्स। ओके, नाइन्थ बी, ओके नाइन्थ बी, कोई बताएगा मुझे यू की वैल्यू क्या गिवन है, बैक साइड से, नॉट फर्स्ट बेंच, ये सेकेंड बेंच से, कोई बताएगा यू की वैल्यू क्या गिवन है? जीरो।
क्यों? क्योंकि वो ऑब्जेक्ट फॉल कर रहा है, ठीक बिल्कुल है। तो इस केस में मुझे दो इंफॉर्मेशन गिवन है, एक तो 0 मीटर पर सेकेंड u और एक हाइट कितनी, 20 मीटर, ठीक है। लिख लो ये, चलो ये लिख ही लो, न्यूमेरिकल्स में इजी हो जाएगा। ये बस प्लस माइनस वैल्यूज की ही गेम होती है, फॉर्मूला तो सब लर्न कर लेते हैं, जिनको ये वैल्यूज लेना समझ आ गया न्यूमेरिकल्स कुछ भी नहीं रहेंगे फिर, ठीक है। अब आते हैं हम जी की वैल्यू पर। नाउ जो जी की वैल्यू है बेटा, इट कैन बी पॉजिटिव और इट कैन बी नेगेटिव। जैसे एक्सलरेशन में था, जब ऑब्जेक्ट फास्ट हो रहा होता है तो एक्सलरेशन आप पॉजिटिव लेते हो, जब ऑब्जेक्ट पे ब्रेक लगा दो वो स्लो होने लग जाए, देन एक्सलरेशन इज रिटार्डेशन, फिर हम नेगेटिव लेते हैं। एक्सलरेशन भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती थी, ठीक है। ऐसे ही ग्रेविटी। अब देखो, जब ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड मोशन में है, यहीं से समझेंगे हम, इस केस में जो ग्रेविटी है, यहां पर जो ग्रेविटी लेनी है वो आपने पॉजिटिव लेनी है, ठीक है। डाउनवर्ड मोशन में ग्रेविटी आएगी पॉजिटिव, अपवर्ड मोशन में ग्रेविटी रहेगी नेगेटिव। याद रहेगा सबको, ठीक है। क्लियर है बेटा सबको, जी की वैल्यू? अच्छा, आप मुझे इस केस में बताइए, जो मैंने ये स्टेटमेंट लिखी थी, इस केस में जी की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे? पॉजिटिव जी की वैल्यू मिलेगी पॉजिटिव, ठीक है। कहां से पता चला? क्योंकि उसको फॉल किया गया है नीचे की तरफ, तो यहां से मुझे पता चला जी की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। इज दिस क्लियर? यस चलो एक स्टेटमेंट और लिखो, ऐसे ही ब्रीफ में एक स्टेटमेंट बता रही हूं, लिखो जरा। एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन, एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। आप बता सकते हो मुझे इसमें क्या क्या गिवन है? कौन कौन बता सकते हैं? देखो, कुछ भी मैथमेटिकल गिवन नहीं है, नथिंग मैथमेटिकल इज गिवन, बट स्टिल आई विल गेट टू मैथमेटिकल वैल्यूज। ये सिर्फ 9th B के बच्चे पढ़ रहे हैं क्या? बाकी बच्चे हैंड्स क्यों नहीं रेज कर रहे हो? ये समझ नहीं आया। यस, 9th A 9th C बेटा बिल्कुल भी हैंड रेज नहीं हो रहे हैं। 9th C, आई वॉन्ट द आंसर फ्रॉम द 9th C। मैं नाम बोलती हूँ, ठीक है। श्री राम, साहिल आप बैठ जाओ बेटा, आप ही हो, आप बैठो फिर, मैंने बैक साइड से किसी को बुलाना है। टीचर्स प्लीज, आप किसी को भेजेंगे माइक के पास? गेटअप गेटअप साची। यस हाँ जी बेटा, बताइए कुछ गिवन है इस स्टेटमेंट में? मैम, वैल्यू ऑफ जी -9.8 आवाज नहीं आ रही बेटा, माइक जरा हाथ में होल्ड करो। वैल्यू ऑफ जी इज -9.8 m/s² ओके, एनीथिंग एल्स गिवन? और कुछ गिवन है? फाइनल वेलोसिटी कितनी है बेटा? 0 जीरो। यूनिट बोलो, वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकेंड। मीटर्स पर सेकेंड।
ठीक है बच्चे, ये समझ आया सबको? हाँ जी बेटा, चले जाइए सीट पर। क्लियर हुआ? देखो कुछ मैथमेटिकल गिवन नहीं था, स्टिल यू आर गेटिंग टू मैथमेटिकल वैल्यूज। यही आप बच्चे न्यूमेरिकल्स में गलती करते हो, करते हुए सिर्फ मैथमेटिकल पार्ट को ढूंढते रहते हो न्यूमेरिकल्स में। इस स्टेटमेंट के ऊपर बहुत ध्यान देना है। नाउ राइट वन न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल बोल रही हूं मैं, एक लिखिए जरा। अ बॉल इज थ्रोन, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विद अ वेलोसिटी ऑफ 49 meters पर सेकेंड। फोर्टी नाइन मीटर्स पर सेकेंड। कैलकुलेट कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट, द मैक्सिमम हाइट टू विच इट रीच सेकेंड पॉइंट, द टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम हाइट, टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम हाइट। चलिए पहले तो आप अपने आप से इंफॉर्मेशन लिखिए इस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, देन आई विल स्टार्ट। ठीक है एवरी वन, डू इट ऑनेस्टली, अपने आप से करना है सबने। ठीक है ये सबने लिख लिया, और तीनों फॉर्मूलाज लिखो जरा, तीनों फॉर्मूलाज, ये वाले तीनों फॉर्मूलाज लिख लो। यस लिखिए। ठीक यस चलिए अब बताइए मुझे कौन बताएगा क्या क्या गिवन है, या मैं लिखूं चेक कर लेना एक बार क्रॉस चेक। क्वेश्चन में था बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, एक बॉल है जिसको वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया गया है, क्या क्या पता लगा इससे? ऊपर जा रही है तो बीस जीरो मीटर पर सेकेंड ऊपर गई, तो जी की वैल्यू क्या लेंगे हम? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये दो इंफॉर्मेशन हम यहाँ लिख लेते हैं दोबारा से, 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर विद माइनस साइन एंड फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर्स पर सेकेंड। अब कह रहे कितनी स्पीड से थ्रो किया गया उसको? 49 सेकेंड वाली को स्पीड मिल गई तो वो हो गया आपका यू, वी 49 तो 0 हो गया ना, एक और वेलोसिटी है तो 49 आपकी यू हो गई। उसके बाद कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट, हाइट मुझे निकालनी है और टाइम मुझे कैलकुलेट करना है। ये सारी इंफॉर्मेशन जब भी आप कोई भी न्यूमेरिकल करोगे इस तरीके से लिखनी है पहले, ठीक है? मार्क्स मिलते हैं इसके भी, आपका न्यूमेरिकल गलत हो गया कोई बात नहीं, बट अगर आपने इंफॉर्मेशन ठीक लिखी है ना, आपको नंबर मिलेंगे इस चीज के कि क्या क्या गिवन था क्वेश्चन में, बच्चे ने आइडेंटिफाई किया उसको, क्योंकि ये दो चीजें गिवन नहीं थी एज इट इज, आप लिखकर दे रहे हो तो यू विल गेट द मार्क्स।
तो इन चीजों को इग्नोर नहीं करना कि क्या करना है लिखकर, छोड़ो सीधा फॉर्मूले में वैल्यू डालो। ठीक है, ये शॉर्टकट वाले बच्चे बहुत होते हैं मुझे पता है, सीधा फॉर्मूला लिखा वैल्यू डाल दो। अब देखो मुझे हाइट निकालना और टाइम निकालना है, मेरे पास फॉर्मूला से v इज इक्वल्स टू यू प्लस जी टी, एच इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर एंड आई हैव 2gh इक्वल्स टू वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर। चलिए मुझे बताओ हाइट निकालने के लिए कैन आई यूज दिस फॉर्मूला, फर्स्ट फॉर्मूला कैन आई यूज, No. क्यों? उसमें तो हाइट ही नहीं है, तो Yes. मेरे पास ये दो फॉर्मूलाज बचे। अब मुझे देखो जी गिवन है पता है, यू गिवन है हाँ जी पता है, टाइम तो इसमें पता ही नहीं मुझे, तो ये फॉर्मूला भी अप्लाई नहीं हो सकता मेरा हाइट Yes. निकालने के लिए, तो कौन सा बचा मेरे पास, थर्ड वाला। तो इस तरीके से आप फॉर्मूलाज को कट शॉर्ट कर सकते हो, राइट। अब देखो Yes. जी पता है हाइट निकालनी है, वी पता है यू पता है, सब कुछ पता है हमें, तो हाइट के लिए हम क्या करेंगे, हाइट कैलकुलेट करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, अब 2gh इक्वल्स टू वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर। माइनस जी की वैल्यू नाइन पॉइंट एट आप इसको एक काम और कर सकते हो, हाइट को इधर रखो, हाइट को यहीं रखो, बाकी वैल्यू शिफ्ट कर दो जिसको जैसे कन्वीनियंट लगता है, ये तो कैलकुलेशन पार्ट है, जिसको आता है अपने तरीके से कर सकते हो। ठीक है, तो v की वैल्यू इज 0, u की वैल्यू इज 49 का होल स्क्वायर एंड 2 इंटू जी इज 9.8 विथ माइनस साइन। ठीक है बेटा, चल यस ये फॉर्मूलाज रब कर दूं मैं ऊपर वाले फिलहाल। ठीक है चल, अब ये देखो क्या बना, 0 हट गया, ये बचा माइनस बाहर 49 इंटू 49 अपॉन माइनस, ये वाला माइनस मैंने बाहर लिख लिया, 98 डेसिमल हटाकर आ गया 10। ये क्लियर हुआ सबको मैंने क्या किया है? यस ठीक है, मल्टीप्लाई करने मत बैठना बेटा कि पहले 49 इंटू 49 मल्टीप्लाई करो, क्योंकि 49 टू 98 होता है। ठीक है, तो ऐसी कैलकुलेशन ध्यान से करिए, माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, यस 2 5 10 हो जाएगा, 49 1 49 2 98, तो ये वैल्यू बची है आपके पास 49 इंटू 5/2, ये मल्टीप्लाई करना इज क्वाइट इजी एंड डिवाइडिंग बाय 2 इज ऑलवेज इजी, तो इसका आंसर आपको नियरली मिलेगा 122.5 मीटर। ये समझ आया क्वेश्चन सबको? यस चलिए इसका जिसका हो गया टाइम के लिए देखो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, करिए जरा स्टार्ट। होता हाँ जी बेटा, करें स्टार्ट टाइम का पार्ट। चलिए अब मुझे निकालना है, कैलकुलेट करना है टाइम, तो वही मेरे पास अगेन तीन फॉर्मूलास, v इज इक्वल्स टू यू प्लस जी टी, एस सॉरी एच इक्वल्स टू यू टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वेयर एंड 2gh इक्वल्स टू वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर। तो
ये लास्ट वाला फॉर्मूला लगेगा टाइम के लिए? टाइम ही नहीं है ना, बचे ये दो, तो हम छोटे वाला ले लेते हैं, बड़े वाले को क्यों उठाना है टाइम के लिए? टाइम के लिए मतलब हमने ले लिया v इज इक्वल्स टू यू प्लस जी टी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी, सॉरी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v? जीरो. जीरो यू की वैल्यू कितनी थी? 49 49. जी की वैल्यू -9.8 नाइन पॉइंट एट इंटू टी, तो ये बना 0, 49 प्लस माइनस -9.8 माइनस 9.8 इंटू टी, तो इसको 49 को इधर शिफ्ट कर दो, माइनस 49 माइनस 9.8 इंटू टी, माइनस माइनस कैंसिल, 49 अपॉन 9.8 इक्वल्स टू टी, डेसिमल हटा दो बेटा, कैलकुलेशन है ये बस, ठीक है? 98, 49 टू द 98, 25 सर 10, तो टी की वैल्यू कितनी आ गई? 5 5 सेकेंड, टाइम सेकेंड्स में आएगा, क्लियर है बेटा? चलिए नोट कर लो जल्दी से. चलिए लिखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, अगर ये हो गया तो सबका. अ स्टोन इज ड्रॉप्ड, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 19.6 मीटर, 19.6 मीटर, कैलकुलेट कैलकुलेट फर्स्ट पार्ट, टाइम टेकन टू फॉल, टाइम टेकन टू फॉल एंड सेकेंड पार्ट, हाउ फास्ट डज इट मूव, हाउ फास्ट डज इट मूव एट द एंड ऑफ दिस फॉल, एट द एंड ऑफ दिस फॉल. चल डन, लिख लिया सबने? शुड आई रिपीट? यस डन. चलिए लिखिए जरा बेटा फटाफट से इंफॉर्मेशन, क्या क्या गिवन है. ड्रॉप का मतलब होता है फॉल करना, ठीक है, ऊपर से ड्रॉप किया जाए. यस डन.
चलिए नाउ द क्वेश्चन इज सेइंग एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम सर्टेन हाइट. अगर ड्रॉप किया गया है तो मतलब वो ऊपर से डाउनवर्ड मोशन में है, ठीक है? तो ऊपर से जब आएगा तो ऑब्जेक्ट क्या क्या लेंगे हम? यस, यू विल बी टेकन, एंड जी 9.8 विथ पॉजिटिव साइन. राइट बच्चे, तो दो इंफॉर्मेशन आपके पास आ चुकी हैं, दैट यू इज 0 मीटर्स पर सेकेंड एंड जी इज 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर. अलोंग विद दैट और क्या गिवन है आपको? हाइट कितनी? 19.6 मीटर. तो हाइट पता है 19.6 मीटर. नाउ दे आर सेइंग फाइंड द टाइम फॉर द फर्स्ट पार्ट एंड फॉर द सेकेंड पार्ट. इनिशियल वेलोसिटी तो गिवन है, तो कौन सी वेलोसिटी पूछी होगी आपसे? फाइनल वेलोसिटी, राइट? तो वी आपको कैलकुलेट करना है सेकेंड पार्ट के लिए, ठीक है? चलो अब मुझे बताओ, टी के लिए फर्स्ट पार्ट में टी कैलकुलेट करना है, तो ये फॉर्मूला तो वैसे ही रिजेक्ट हो गया, इसमें तो टी है ही नहीं. बचे ऊपर वाले दो फॉर्मूलास, देखो क्या फर्स्ट वाला अप्लाई कर सकते हो? टाइम नहीं है ना, टाइम वी, हाँ वी नहीं गिवन. सेकेंड वाला करो फिर, हम फर्स्ट पार्ट करते हैं, टाइम कैलकुलेट करना है मुझे. ठीक है, टाइम तो फॉर्मूला हम लगाएंगे एच इक्वल्स टू यू टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वेयर. फॉर्मूला सिलेक्ट करने का पता लगा? कैसे फॉर्मूला सिलेक्ट होगा? ठीक है, यू वी और जी ये तीनों पता लग गए आपको कि कब क्या लेना है. हाइट, हाइट इज गिवन 19.6, यू इज गिवन 0, तो ये पूरी वैल्यू आपकी 0 बन जाएगी, प्लस 1/2 जी इज गिवन 9.8 इंटू टी स्क्वेयर. ऐसी है, चलिए ये क्या बन जाएगा अब आपका 19.6 इक्वल्स टू, ये कट कर दो, 2 4 8, 2 9 18, तो ये आपका आ गया 4.9 टी स्क्वेयर. ठीक है, 19.6 अपॉन 4.9 इज टी स्क्वेयर. चलिए ये बना 9 196 अपॉन 49 इक्वल्स टू टी स्क्वेयर. ठीक है, किस किस को आता है ये सॉल्व करना? 49 का तो स्क्वेयर रूट सीधा सीधा कितना मिल रहा है हमें? 7. 196 का स्क्वेयर रूट निकालना आता है सबको, क्योंकि टी स्क्वेयर मिल रहा है ना बेटा हमें यहाँ पर. ये टी की वैल्यू नहीं आ रही है अभी, टी स्क्वेयर की आ रही है, हमें टी चाहिए. जैसे कि सपोज करो टी स्क्वेयर आपके पास आ जाए 9, तो टी की वैल्यू 3 हो जाएगी. टी चाहिए हमें, टी स्क्वेयर नहीं चाहिए. ओके यस, किसी का स्क्वेयर होता है 196? फोर्टीन 14. ओके, करो जरा, नीचे 7 का स्क्वेयर है तो 14/7 कितना आ गया? 7. चलिए चलिए, बताओ. अरे इतना सिंपल है, ये तो करो. चलिए ये आ गया 14 और 49 का आ गया 7, तो ये आ गया टी की वैल्यू, तो कितनी बनी? 7 to the 14, टी आपके पास आ गया 2 सेकेंड्स. ठीक है,
चलिए अब हमें कैलकुलेट करना है वी। ये नोट हो गया बेटा सबका? करना चलिए सेकंड पार्ट अभी हमें कैलकुलेट करना है, वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, तो कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं? सेकंड फॉर्मूले में तो फाइनल वेलोसिटी है ही नहीं, वी प्रेजेंट ही नहीं है, तो सेकंड वाला फॉर्मूला हम निग्लेक्ट कर देंगे इस केस में। क्या फर्स्ट फॉर्मूला लग सकता है फाइनल वेलोसिटी के लिए? Yes. लग सकते हैं। तो v इज इक्वल्स टू यू प्लस जी टी। v मुझे कैलकुलेट करना है, u इज 0, g इज -9.8 एंड t इज 2। तो v की नाइन वैल्यू पॉइंट कितनी एट गई? माइनस नहीं आएगा, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, प्लस है। ठीक है, कितना आ गया? 19.6. 19.6 मीटर्स पर सेकेंड। यस डन। ये समझ आए बेटा न्यूमेरिकल्स क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर? चलो यस एक क्वेश्चन और लिखिए जरा जल्दी से, ये हो गया तो। एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड एंड राइजेस टू अ हाइट ऑफ, एंड राइजेस टू अ हाइट ऑफ 10 मीटर, 10 मीटर। कैलकुलेट कैलकुलेट द फर्स्ट पार्ट, द वेलोसिटी, द वेलोसिटी विथ विच, द वेलोसिटी विथ विच द ऑब्जेक्ट वॉज थ्रोन अपवर्ड, द ऑब्जेक्ट वॉज थ्रोन अपवर्ड। एंड सेकेंड पार्ट, द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट, टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू रीच द हाइएस्ट पॉइंट, टू रीच द हाइएस्ट पॉइंट। चलिए लिखिए जरा क्या क्या गिवन है इस क्वेश्चन में। आई होप हो गया होगा सबका, क्या क्या गिवन है। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है या नीचे से ऊपर जा रहा है? हाँ, इट इज मूविंग अपवर्ड। सो व्हाट इंफॉर्मेशन यू हैव नाउ? इफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग अपवर्ड देन फाइनल वेलोसिटी इज सेकेंड जीरो, जी विल बी टेकन एंड हाइट इज ऑल्सो गिवन इन दिस केस। व्हाट इज द हाइट? 10 मीटर। गुड, नाउ व्हाट फर्स्ट पार्ट इज आस्किंग टू यू? फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहे हैं? वेलोसिटी।
कौन सी वेलोसिटी निकालनी होगी बेटा? वेलोसिटी। क्योंकि फाइनल तो गिवन है, ये तो फाइनल वेलोसिटी गिवन है, हमें निकालनी होगी इनिशियल इनिशियल फर्स्ट पार्ट एंड फॉर द सेकंड पार्ट व्हाट दे आर आस्किंग टाइम। टाइम टी निकालना है। ठीक है चलिए अब हम फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में मुझे कैलकुलेट करना है यू, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी। कौन सा फॉर्मूला लगेगा जल्दी से बताइए। यू तो तीनों में ही है, ठीक है, यू यहां पर भी है, यू यहां भी है, यू यहां भी है। वी कैन यूज ऑल द थ्री फॉर्मूलाज बट बिफोर अप्लाइंग आई हैव टू चेक विच इंफॉर्मेशन आई हैव टू अप्लाई द राइट फॉर्मूला। वी जी एंड एच आई हैव दीज थ्री इंफॉर्मेशन, आई डोंट हैव टाइम। सो पहले दोनों फॉर्मूलाज गए, मुझ मेरे पास टाइम नहीं है ना फॉर्मूलाज में, तो ये दोनों तो अप्लाई नहीं हो सकते। आई हैव लेफ्ट विथ थर्ड फॉर्मूला ओनली, सो आई विल यूज 2gh = v² - u² जल्दी से मुझे आंसर बताइए क्या आएगा। सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज एंड गेट योर आंसर। देखते हैं कौन से सेक्शन में से पहले आंसर आता है। नाइन्थ ए का हो गया, ये डाउट है। हाँ जी गर्ल्स जो फर्स्ट बेंच पे है बेटा बोलो। 14 मीटर पर सेकेंड आंसर। ओके यस 9C बोलिए बेटा क्या बोलने लगे थे। ओके 14 मीटर पर सेकेंड। एनीवन फ्रॉम द 9th B। 14 ओके बेटा पीछे वाले बच्चे कुछ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? लास्ट रोज गर्ल्स जो कि जो पूरी रो बैठी है। हाँ जी बेटा आई वांट द आंसर फ्रॉम योर रो। यस सेकेंड लास्ट बेंच पे जो गर्ल्स हैं सारी। हाँ जी बेटा कर किया है किसी ने आप में से 9th B? यस हाँ जी बेटा बताइए आंसर। मीटर यस इट इज 14 मीटर्स पर सेकेंड। लुक हाउ वी हैव टू सॉल्व दिस सिंपल सा कैलकुलेशन है। 2 × g इज 9.8, हाइट इज 10, वी इज 0 एंड यू हैव टू फाइंड आउट जी की वैल्यू, सॉरी -9.8। तो ये बन जाएगा -2 × 98/10 × 10 = -u². माइनस माइनस कैंसिल, 10 एंड 10 विल बी कैंसिल, तो यू स्क्वेयर आपके पास बना 2 × 98, ये हो गया 196 एंड यू हो गया स्क्वेयर रूट ऑफ 196। यू की वैल्यू आ गई 14 मीटर्स पर सेकेंड, राइट? करो जरा जल्दी से जिसने नहीं किया। यस सेकेंड पार्ट स्टार्ट कर दीजिए, सेकेंड पार्ट करना। यस व्हाट्स द आंसर से फॉर सेकंड पार्ट।
हाँ जी बेटा, फॉर सेकेंड पार्ट लुक, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है? ये तो होगा नहीं अप्लाई, टाइम नहीं है इसके अंदर, टी इज नॉट गिवन, वी आर लेफ्ट विद अबव टू फॉर्मूलास एंड इन दिस केस वी कैन अप्लाई एनी वन ऑफ दीज फॉर्मूलास। मुझे दोनों की इंफॉर्मेशन पता है, एनी वन यू विल गेट द सेम आंसर। ठीक है, तो आई एम यूजिंग वी इज इक्वल टू यू प्लस जी टू। नाउ वॉट इज द वैल्यू ऑफ वी? जीरो। वट इज द वैल्यू ऑफ यू? इज 14। जी इज -9.8 इंटू टी। 14 को इधर शिफ्ट कर दो, -14 -9.8 इंटू टी, माइनस माइनस कैंसिल, 14/9.8 इज इक्वल टू टी। सी हाउ यू हैव टू सॉल्व इट नाउ। 14/98, डेसिमल हटा तो ऊपर 10, 14, हाँ जी 14 7 इज द 98, इट विल बी 10/7। तो देखो कितना है, 7 1 7, 3 पेंडिंग, 7 4 28, नियरली इतना आएगा, 1.47 सेकेंड। ठीक है, किस किस का आंसर आया ये वाला? किसी का इसके नियर बाय आंसर आया? 10/7 तक कौन पहुंचा? ओके okay. ये वाला फॉर्मूला किस किसने यूज किया? ओके गुड, नाइन्थ बी, वेरी गुड। नाइन्थ ए में से कोई है स्टूडेंट जिसने सेकेंड वाला फॉर्मूला यूज करके क्वेश्चन किया ये वाला? किसी ने किया ये वाला क्वेश्चन बाय यूजिंग द फॉर्मूला सेकेंड वन? कोई भी नहीं। यू विल गेट द सेम आंसर फ्रॉम दैट फॉर्मूला ऑल्सो, राइट बच्चे? चलिए अब मुझे एक क्विक रीकैप हम कर लेते हैं जितना भी अपने हमने अब तक किया है। दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस विल कम, इन्हीं क्वेश्चंस में बेटा थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है, दैट वी विल मे बी डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। एक स्टोन ऊपर से आ रहा है, साइमल्टेनियसली एक स्टोन नीचे से थ्रो किया गया, दोनों किस पॉइंट पर मीट करेंगे? आज मैंने इसलिए नहीं करवाया कि आपका बेसिक अच्छे से स्ट्रांग हो जाए। ये न्यूमेरिकल्स अब किस किस को समझ आ गए? ये कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए इनमें। गुड, यस, ओके। नाइन सी, आवाज नहीं आ रही है मेरी? ओके ठीक है, थोड़ा सा इनकी प्रैक्टिस करो, आपकी एनसीईआरटी में भी काफी क्वेश्चंस गिवन है, बैक एक्सरसाइज निकालोगे ना वहां पे काफी क्वेश्चंस गिवन है इसके, डू प्रैक्टिस। ओके चलिए एक बार क्विक रीकैप हम देख लेते हैं सारा। हाँ जी, एक और। चलिए हमने यहां से स्टार्ट किया था, सबसे पहले हमने क्या स्टडी किया? डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटेशन एंड ग्रेविटी। क्या होता है ग्रेविटेशन ग्रेविटेशन? इज द फोर्स बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स। वेयर इज ग्रेविटी? इज द फोर्स बिटवीन एन ऑब्जेक्ट एंड अ प्लैनेट, राइट? एंड दोनों बेसिकली फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, ऑब्जेक्ट्स का डिफरेंट है। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या देखा फिर? एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है? एंड इसकी मैंने डेफिनेशन लिखवा दी थी आपको, ठीक है, एंड उसके बाद इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमने पॉइंट्स देखे कि इसकी वैल्यू कितनी होती है, ये कॉन्स्टेंट क्यों नहीं है, ठीक है, ये मास पर डिपेंड नहीं करता क्योंकि ऑब्जेक्ट का मास अर्थ के मास के कंपैरिजन में हमेशा, इट्स ऑलवेज वेरी 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 लेस देन द मास ऑफ द अर्थ, दैट इज व्हाई मास पर ग्रेविटी डिपेंड नहीं करेगी। मास किसका? ऑब्जेक्ट का। यस वैल्यू वेरीज विद हाइट एंड डेप्थ, ये हमने डिस्कस किया। अगर टुवर्ड्स द सेंटर आओगे देन द वैल्यू विल चेंज, इफ यू आर मूविंग टुवर्ड्स द स्पेस द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी अगेन बिकम जीरो, राइट? नेक्स्ट फिर हमने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किया, जिसमें हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला आया था कैपिटल जी m1 × m2/d2। यहां से हमने कैपिटल जी के कॉन्सेप्ट को समझा, उसके नाम, ठीक है, उसका फॉर्मूला एंड यूनिट कैसे बनेगी ये सब देखा।
राइट? यहां तक किसी को कोई डाउट, कोई कुछ पूछना चाहता है तो? नो नथिंग, गुड, ठीक है, चलिए आगे। ये फिर हमने डिफरेंसेस किए, स्मॉल जी एंड कैपिटल जी में डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं, ये क्लियर है बेटा सबको डिफरेंसेस? यस। ठीक है, कोई पूछना है किसने, कुछ भी पूछ लो बेटा साथ साथ में, ठीक है ना। स्मॉल जी, अगेन हमने देखा कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट, इस फॉर्मूले में स्मॉल एम कहीं पर भी नहीं है, क्लियर? तो यस स्मॉल जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट स्मॉल जी की वैल्यू, इफ आई सब्स्टिट्यूट कैपिटल जी, मास ऑफ द अर्थ एंड रेडियस ऑफ द अर्थ, आई विल गेट द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी 9.8 मीटर सेकेंड। अर्थ। वेरी गुड, शाबाश। चलिए फिर हम आ गए थे न्यूमेरिकल्स पार्ट पर। अब अगेन मैं एक बार रिपीट कर रही हूं, न्यूमेरिकल पार्ट में वी आर यूजिंग दीज थ्री फॉर्मूलाज विच आर सिमिलर टू द फॉर्मूलाज ऑफ योर मोशन चैप्टर, ठीक है? क्या डिफरेंस था? ए की जगह जी आ जाएगा एंड इंस्टेड ऑफ डिस्टेंस वी हैव हाइट। नाउ व्हेन वी विल टेक इनिशियल वेलोसिटी जीरो, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज फॉल फ्रॉम सर्टेन हाइट, एंड व्हेन फाइनल वेलोसिटी इज टेकन जीरो, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड्स अपवर्ड, अकॉर्डिंगली जी इज टेकन पॉजिटिव और नेगेटिव, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग डाउनवर्ड जी इज टेकन पॉजिटिव। ग्रेविटी नीचे की तरफ ही होती है ना, ऑब्जेक्ट भी नीचे आ रहा है, ग्रेविटी भी नीचे, दोनों सेम डायरेक्शन में। इस केस में अगर ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है देन ग्रेविटी इज टेकन एज, जी की वैल्यू इज टेकन एज -9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है? क्लियर? यस चलिए बस उसकी हमने न्यूमेरिकल्स कर लिए। अब किसी को न्यूमेरिकल्स में कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो आप बता सकते हैं, नो ठीक है? सो दैट्स फॉर ऑल टुडे, चलिए हैव अ नाइस डे अहेड। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच टीचर्स, बाय बाय मैम। एवरीवन।